ऐसा मोर्चा करना उचित नहीं है। रास्ते पे उतरना भी उचित नहीं है। दोस्तों ये है वो महाराज बैंगन की शक्ल का जिसने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जो कि इसका बयान अफजा ईडी ने सोशल मीडिया से भी हटा दिया है। जितने भी प्लेटफॉर्म है सारी जगह से इसका बयान वो हटा दिया जिसमें इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। क्योंकि जब AMIAM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया और पूरी बम्बई को जाम कर डाला और वहाँ पर लाखों की संख्या में हर एक मुसलमान कोने कोने से वहाँ पर पहुँचा और इस भीड़ को देखकर ये जो बैंगन की शक्ल का महाराज है इसकी ऐसी की तैसी हो गई। दोस्तों बाबा ने फिर बाद में इसमें बाबा ने क्या कहा और इम्तियाज जलील ने वहाँ पर मुंबई में जाकर क्या बयान दिया, आपको दोनों वीडियो आपको सुनाता हूँ। जी, आपके विधान के खिलाफ मुस्लिम लोग बड़ी संख्या में रास्ते पर उतरे हैं और एक मुंबई बड़ा मोर्चा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? ऐसा मोर्चा करना उचित नहीं है, रास्ते पे उतरना भी उचित नहीं है। दूसरी बात, बहुत जगह पर लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ जगह में कुछ कुछ जलाया भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। विचार जो होते हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। यदि हमारे विचार से आप सहमत नहीं है तो आप उस विचार का खंडन भी कर सकते हैं और विचार का खंडन विचारों से होता है। इम्तियाज जलील के नेतृत्व में चल रहा है तो फिर ये सियासत लग रही है आपको, ये सब चल रहा है? ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है और संभ्रम पैदा करते हैं समाज में और वो जलील कर रहा है। कि लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मेरे जमहूरी इख्तियार है, मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ज़बान उनके मुँह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुँह में भी है। जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूँगा कि रामगिरी तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे।